हाय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेसन देखने वाले हैं, जो क्या है, एक पोयम है 1.4 चिल्ड्रेन आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो आज हम लोग देखो यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, चिल्ड्रेन आर गोइंग टू स्कूल, ये जो है ये क्या है, ट्रांसलेटेड फ्रॉम बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ये एक हिंदी पोयम है जिसको इंग्लिश में क्या किया है, ट्रांसलेट किया है, और किसने किया है, बाय निदा फजली। ठीक है, तो इन्होंने ये पोएम किस में, उर्दू एज वेल एज हिंदी में लिखा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और इसको हमें क्या गया है, इंग्लिश में दिया। चलो हम लोग पहले यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। यहाँ पे है मसलिन, मसलिन का मतलब क्या है, अ काइंड ऑफ सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक, एक तरह का क्या है, जो एकदम नरम और मुलायम कॉटन का फैब्रिक होता है, दैट मीन्स कपड़े होते हैं वो, तो उसको क्या बोला गया है यहाँ पे, मसलिन। और फॉली एज का मतलब क्या है, ग्रीनरी, ठीक है, या फिर लीफ कवर, जो लीफ का कवर होता है पत्तों का वो, और जिसको हम लोग ग्रीनरी भी बोल सकते हैं। और इसमें जो थर्ड एंड लास्ट दिया है मीनिंग वो क्या है, ए ग्लीन, मतलब कि शाइनिंग ब्राइट, कोई भी ज़्यादा कोई चीज़ अब एकदम शाइनिंग क्या होता है, ब्राइट होता है, मतलब उसमें लाइट आता है सुनहरा रंग का, तो उसे बोलेंगे शाइनिंग ब्राइट। तो ठीक है, आज हम लोग क्या है अपना तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा 1.4, चिल्ड्रेंस आर गोइंग टू स्कूल, मतलब कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग आज देखने वाले हैं। देखिए, चलो इसको जूम करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग लाइट स्प्रेड्स ओवर द अर्थ, Once again the sky boys had in respect for children are going to school. तो यहाँ पे देखो फर्स्ट सेंटेंस में एकदम सिंपल सेंटेंस में हमको क्या बोल रहा है कि मॉर्निंग लाइट स्प्रेड्स ओवर द अर्थ, जो मॉर्निंग लाइट्स है वो कहाँ पे स्प्रेड हुई है, स्प्रेड मतलब फैलना होता है ना, तो कहाँ पे हुई है, हमारी जो मॉर्निंग लाइट है वो स्प्रेड हो गई है ओवर द अर्थ। कहाँ पे, ओवर द अर्थ मतलब कि जो हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, उस पर जो मॉर्निंग लाइट है वो पूरी तरह से फैल चुकी है। Once again, एक बार फिर, the sky boys had in respect for children are going to school. ये बोल रहा है once again, एक बार फिर से क्या हो रहा है, जो sky है हमारा, the sky, ठीक है, मतलब कि जो हमारा आसमान है, bows his head, bow का means क्या होता है, B-O-W, मतलब कि झुकाना, सर झुकाना है यहाँ पे, तो his head बोल रहा है ना, तो वो अपने हेड को क्या कर रहा है, sky अब झुका रहा है, in respect for children are going to school, किसके लिए, in respect for children are going to school, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके लिए। अब इसका ओवरऑल मीनिंग देखते हैं, मॉर्निंग लाइट स्प्रेड ओवर द अर्थ, मतलब कि जो सुबह की किरणें हैं वो हमारे अर्थ पे क्या हो गई है, स्प्रेड हो गई है। वंस अगेन, और एक बार फिर से जो हमारा स्काई है उसने क्या किया है, अपना जो सर है, हेड है, उसको रिस्पेक्ट के लिए झुकाया है, किसके लिए, किसको रिस्पेक्ट दे रहा है वो सर झुका के, फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस क्लियर है। अब आते हैं सेकेंड पे, द सन आफ्टर हिज मॉर्निंग डीप इन द रिवर ड्रेस अप इन हिज गोल्डन मसलिन टर्बन वेट एंड स्माइल ऑन वन साइड ऑफ द रोड फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे देखो नेचर का ही बात हो रहा था ना, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये क्या है, सन था, ठीक है, और देखो इसकी मॉर्निंग जो लाइट है, ठीक है, वो स्प्रेड हो रही थी। अब देखो सेकेंड स्टैंडर्ड में क्या बोल रहा है, द सन आफ्टर हिज मॉर्निंग डीप इन द रिवर, जो सूर्य है, आफ्टर दैट मीन्स क्या होता है, बाद में, हिज मॉर्निंग डीप इन द रिवर, जब वो क्या करता है मॉर्निंग में, उसका जो सन है मॉर्निंग में क्या करता है, डीप इन द रिवर, रिवर मतलब जो नदी है उसमें जो मॉर्निंग लाइट रहता है, ठीक है, मतलब कि जो सूर्य की किरणें होती है, लाइट होती है, वो कहाँ पे डीप करती है, डीप मतलब उसके अंदर जाना, तो इसकी जो लाइट है वो कहाँ पे डीप कर रही है, रिवर में, मतलब कि जो सूर्य की किरणें हैं वो पानी के अंदर क्या हो चुकी है, घुल, मतलब कि जा चुकी है, डीप मतलब डूब जाना, हाँ, तो उसमें डूब चुकी है। ड्रेस अप इन हिज गोल्डन मसलिन टर्बन, और जो सन है उसने क्या ड्रेस अप किया है, क्या पहना है, इन हिज गोल्डन,
अपना सुनहरे रंग का, गोल्डन कलर का उसने क्या किया है, मसलिन, मतलब हम लोग ने यहाँ पे मीनिंग देखा हुआ था क्या होता है, एक बार फिर से देखते हैं। अ काइंड ऑफ सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक, तो यहाँ पे एक कॉटन फैब्रिक जो बहुत ही मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, उसकी बात की है। तो उसने क्या ड्रेसअप किया है अपने हेड पे, गोल्डन, सॉरी, हाँ, उसने क्या किया है, ड्रेसअप किया है गोल्डन मसलिन टर्बन। मसलिन का मतलब कि अभी हम लोगों ने देखा कॉटन का फैब्रिक होता है, और टर्बन, टर्बन मीन्स यहाँ पे क्या है, पगड़ी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो हमारा सन है, आफ्टर हिज मॉर्निंग डिप इन द रिवर, रिवर में डिपकी लगाने के बाद उसने अपने आप को ड्रेसअप किया है इन हिज गोल्डन मसलिन टर्बन, अपने जो क्या है गोल्डन सुनहरे रंग के पगड़ी पहने हुए, ठीक है। वेट्स एंड स्माइल ऑन द साइड ऑफ रोड, और वो क्या किया है, वेट कर रहा है और स्माइल कर रहा है रोड के एक अलग साइड पे, मतलब कि ऑन द वन साइड ऑफ रोड, रोड के एक तरफ वो क्या कर रहा है, वेट कर रहा है और स्माइल कर रहा है फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, किसके लिए, जो बच्चे कहाँ पे जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं उनके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग थर्ड स्टैंजा देखते हैं, दिख रहा है आपको, हाँ, एक मिनट इसको क्लियर होने दो। थ्रू द ग्रीन टॉप ब्रांचेस ब्रीज सिंग देयर सॉन्ग ऑफ ब्लेसिंग, फ्रेग्रेंट फ्लावर अवेक द स्लीपी रोड विद देयर मेलोडीज, एट द कॉर्नर ऑफ द लेन द पीपल, देखो यहाँ पे पीपल का स्पेलिंग डिफरेंट है, हाँ, तो मैं इसका मीनिंग बताती हूँ आपको। इन हिज लॉस्ट डीप फॉलिएज वेव हिज हैंड फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। अब देखते हैं यहाँ पे जो है ये इसमें इस स्टैंजा में क्या बोल रहा है, बोल रहा है थ्रू द ग्रीन टॉप ब्रांचेस, जो क्या है, किसके, किसके थ्रू, जो ग्रीन टॉप ब्रांचेस है, ठीक है, मतलब कि जो ग्रीन कलर की हरी हरी पत्तियाँ हैं, ठीक है, एकदम ऊपर उनके ब्रांचेस के थ्रू ब्रिजेस सिंग देयर सॉन्ग फॉर ब्लेसिंग, और ब्रिजेस मतलब कि जो हवा चलती है एकदम स्लोली स्लोली, जो वाइंड चलता है जिसमें हमको एक सॉन्ग सुनाई देता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि वो जो ब्रिजेस सिंग देयर सॉन्ग्स ऑफ ब्लेसिंग, वो हमको ब्लेसिंग्स की, किसकी ब्लेसिंग, मतलब कि आशीर्वाद के गाने गा रही है। फ्रेग्रेंट फ्लावर, फ्रेग्रेंट का मतलब क्या होता है, सुगंधित, ठीक है, मतलब कि सेंट भी बोल सकते हैं। तो फ्रेग्रेंट फ्लावर से जो, कौन से फ्लावर्स, फ्रेग्रेंट, अवेकन द स्लीपी रोड विद देयर मेलोडीज, और जो हमारे सुगंधित फ्लावर्स है, मतलब कि सेंटेड फ्लावर्स है जिनमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है, वो लोग अवेकन, अवेकन मतलब क्या, उठाना, किसको, जो स्लीपी रोड है उसको उठाना, विद देयर मेलोडीज, वो लोग अपनी जो सुंदर आवाज़ से क्या कर रहे हैं, अपने मेलोडी से अवेकन द स्लीपी रोड, जो स्लीपी रोड है उनको जगा रहे हैं विद देयर मेलोडीज, अपने अपने गाने से। एट द कॉर्नर ऑफ द लेन, फिर यहाँ पे बोल रहा है कि कॉर्नर ऑफ द लेन, लेन मतलब क्या होता है, एक गली, ठीक है, तो जो गली का या फिर रोड का, ठीक है, जो कॉर्नर होता है, एट द कॉर्नर ऑफ द लेन मतलब किसी जगह का जो कॉर्नर है, द पीपल इन हिज लॉस्ट डीप फॉलिएज, यहाँ पे पीपल मतलब क्या है, जो पीपल का पेड़ होता है वही है, देखो यहाँ पे हमको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है ना, तो यही है, ठीक है, हाँ, कंटिन्यू करते हैं, एक मिनट क्लियर होने दो। द पीपल इन हिज लॉस डीप फॉलिएज वेव हिज एंड, जो पीपल का पेड़ है वो क्या कर रहा है, इन हिज लॉस डीप फॉलिएज, देखो अभी हम लोग ने फॉलिएज का भी मीनिंग देखा था, क्या है, ग्रीनरी लीफ और लीफी कवर, जो बहुत ही ग्रीनरी होता है, बहुत ही हरा भरा, ठीक है, वो वाला लीफ या पत्ते जिसको हम बोल सकते हैं। तो बोल रहा है कि जो पीपल है उसकी जो लश है वो कहाँ पे डीप कर रही है, उसकी जो हरी 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 भरी पत्तियाँ हैं वो क्या कर रही हैं, लस डीप फॉलीएज वेव हिज एंड, वो अपने हाथ को क्या कर रही है, वेव कर रही है, वेव मतलब क्या होता है, हाथ को घुमाना पानी में, जैसे वेव की तरह, ऐसे लहर के जैसे ऊपर नीचे करना, तो जो लश है वो डीप फॉलीएज वेव हिज हैंड, वो अपनी हाथों को क्या कर रही है, हिला रही है।
फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, और ये सब किसके लिए कर रही है, फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। देखो एंजल लाइट हैव सेट आउट, अभी जो एंजल्स है, ठीक है, वो एंजल्स पता है ना, हाँ, तो जो एंजल्स है वो क्या कर रही है, ऑफ लाइट हैव सेट आउट, उन्होंने एक चीज़ को क्या किया है, सेट आउट कर लिया है, मतलब कि तय कर लिया है, एवरी रोड इज़ अ ग्लीम, कि जो हर रोड है वो कैसा होगा, उस पर लाइट जो है, लाइट सेट की ना, कि हर एक रोड पे जो लाइट है, रोड इज़ अ ग्लीम, मतलब कि ग्लीम मतलब कि उस पर प्रकाश की किरणें पड़ती रहे। एट दिस आर, इस समय क्या हो रहा है, एवरी पार्टिकल ऑफ द अर्थ, एवरी पार्टिकल ऑफ द अर्थ मीनिंग क्या है, कि हर पार्टिकल, पार्टिकल यानी एक छोटा सा अगर मिट्टी का कण भी होगा, ठीक है, वो जो अर्थ पे कोई भी पार्टिकल है, थ्रोब्स लाइक अ मदर्स हार्ट, वो कैसे थ्रोब मतलब क्या होता है, धड़कना, तो वो कैसे धड़क रहा है, लाइक अ मदर्स हार्ट, जैसे कि एक माँ का दिल धड़कता है, वैसे हर एक पार्टिकल इस समय क्या हो रहा है, धड़क रहा है, कब, जब एंजल्स लोग क्या करती है, हर एक रोड पे जब वो ग्लीम मतलब कि प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, तब। टाइम सीटिंग ऑन द ओल्ड रूफ फ्लाइज पिजन इन द स्काई फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, और जो टाइम है, समय है, सीटिंग ऑन द ओल्ड रूफ, वो अपने ओल्ड रूफ पे मतलब कि जो पुरानी इसे टाइम सिटिंग ऑन ओल्ड रूफ, जो समय है वो कहाँ पे बैठा है, ऑन एन ओल्ड रूफ मतलब कि एक पुरानी छत पर, रूफ मतलब क्या होता है, छत, तो वो जो टाइम है, सिटिंग ऑन द ओल्ड रूफ फ्लाइज पिजन इन द स्काई, और जो हमारे पिजन्स है मतलब कि कबूतर है, वो क्या हो रहे हैं, फ्लाई हो रहे हैं इन द स्काई में, ठीक है। फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, किसके लिए, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पोएम क्या हुआ, ओवरऑल एंड हो गया, कि ये सारी, अगर देखो जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके लिए क्या है, जो हमारा नेचर है वो भी उनको क्या करता है, बो हिज हेड इन रिस्पेक्ट, मतलब कि उनको रिस्पेक्ट देता है, और सन आफ्टर मॉर्निंग दी तो उनका, और कौन उनको क्या कर रहा है, मीन्स यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट दे रहा है, हर एक नेचर यहाँ पे, जो हम लोगों को एक पीपल का पेड़ दिखा, सन है, ठीक है, रिवर है, ये सारी चीज़ें, इवन जो भी आर्टिकल है हमारे अर्थ के, ठीक है, एक भी जो पार्टिकल्स है, वो सब हमको क्या कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, और हमारा स्वागत कर रहे हैं, कि किसके लिए, जो बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। तो आज हमारा यहाँ पे 1.4 कंप्लीट होता है, देन आफ्टर हम लोग थोड़ा सा आपको जो क्या करना है, टेक्स्ट बुक में, सॉरी नोटबुक में, आपको लेसन नंबर 4, दैट मीन्स 1.4 में आपको कुछ कंप्लीट करने हैं, क्वेश्चन एंड आंसर, सो लिसन इट केयरफुली, रीड द पोएम अलाउड, ठीक है, आपको पोएम पढ़ना है, बट एज वेल एज आपको क्या करना है, इसको लर्न भी करना है, और वन टाइम आपके नोटबुक में लिखना भी है। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड असली टू थिंग फ्रॉम द पोएम दैट शो द फॉलोइंग, हमको पोएम में से ऐसी दो चीज़ें ढूंढना है, जो नीचे की दो चीज़ों को क्या करता है, शो करता है, दैट इज़, इट इज़ अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग किसको शो कर रहा है वो बताना है, द एटमोसफियर इज़ प्लीजेंट, कि जो हमारा एटमोसफियर है वो बहुत ही सुखद और शांति है, तो ऐसे कौन से थिंग है पोएम में जो इन दोनों को शो करता है, वो आपको लिखना है। अपार्ट फ्रॉम द चिल्ड्रन नो अदर ह्यूमन बींग आर मैंशन, हाउ वेयर मैनी नेचुरल एलिमेंट आर शो टू एक्ट लाइक पर्सन, एक मिनट, हाँ दिख नहीं रहा है, मेंशन इन द पोएम हाउ वे मैनी नेचुरल एलिमेंट्स आर शो टू एक्ट लाइक द लाइक पर्सन, नेम देम एंड ऑल्सो राइट व्हाट दे डू, ठीक है। देखो बोल रहा है, अपार्ट फ्रॉम द चिल्ड्रेन, मतलब कि जो इसमें चिल्ड्रन है उसको छोड़ के, नो अदर ह्यूमन बींग आर मैंशन इन द पोएम, पोएम में और कोई भी ह्यूमन बींग मतलब कि इंसान का जिक्र नहीं किया गया है,
हाउएवर मैनी नेचुरल एलिमेंट आर शो एक्ट लाइक अ पर्सन, जबकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, नेचुरल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि सन था उसमें, ट्रीज था, ठीक है, फ्लावर था, तो ये सारी चीज़ जो नेचुरल एलिमेंट है उसमें शो की है, एंड एक्ट लाइक अ पर्सन, और ये पोएम में ऐसे बताया है कि वो लोग किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, पर्सन की तरह। तो वो चीज़ों को हम लोगों को क्या करना है, उसका नेम जो है इसमें से लिखना है। देखो जैसे हम लोग पहले यहाँ पे देख लेते हैं जो क्या करेंगे, पर्सन की जैसे एक्ट कर रहे हैं सब उसमें। अभी मॉर्निंग लाइट स्प्रेड ओवर द अर्थ, ठीक है, इसमें कोई भी पर्सन जैसा एक्ट नहीं कर रहा था। वंस अगेन द स्काई बो हिज हेड, देखो अभी यहाँ पे स्काई मिला, स्काई क्या कर रहा है, बो हिज हेड, अभी वो अपना सर झुका सकता है क्या, नहीं, लेकिन यहाँ पे एज अ पर्सन एक्ट करके बताया है कि जो स्काई है वो ऐसे कर रहा है। तो हमारा एक वर्ड यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट हो गया कि क्या है, पहला स्काई, और वो क्या एक्ट कर रहा है पर्सन की तरह, बो हिज हेड, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये भी दिखाया, द सन आफ्टर मॉर्निंग डीप इन द रिवर, अभी वो रिवर में डिप कर रहा है, सन कर सकता है क्या, नहीं, लेकिन कर रहा है, दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे सन भी हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको पोएम में और भी फाइंड आउट करके लिखना है, और आपको क्या करना है, और ये भी आपको करना है, ड्रॉ अ पिक्चर फ्रॉम द सीन डिस्क्राइब इन द पोएम, पोएम में जो भी सीन डिस्क्राइब किया है, मतलब जो जो सीन बताया है, वो सीन हमको क्या करना है, ड्रॉ करना है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे देखो, ये जो भी ड्रॉ किया गया है, देखो इसमें बोल रहा है चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, तो चिल्ड्रन बना दिया है स्कूल यूनिफॉर्म में। वहाँ पे एक ट्री का भी मेंशन किया तो ट्री हो गया, वहाँ पे रिवर मेंशन किया तो रिवर भी बनाया है, सन मेंशन किया है सन, सनलाइट मेंशन किया है, पिजन मेंशन किया है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बन गई है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझेगा तो फिर वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बस आपको इतना ही करना है, और बाकी के क्वेश्चन भी देख लेना क्या बोल रहा है, फिर उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे 1.5 कबड्डी मैच, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, थैंक यू।